हम शादियों के बाहर चले जाएंगे कि मुल्क में ही रहेंगे। सत्ता में बाहर जाना आपको यमुना आप मतलब अमेरिका में आप हो और आपके मुझे अमेरिका जाना पसंद नहीं है। हाँ बस मुझे वहाँ पे बस मुझे होता है, मैंने वहाँ पे रेडियो किया, मैं बहुत ज़्यादा काम करने की आदी हूँ, लेकिन अब वहाँ पे अल्टरनेटिव्स मैंने देखी हैं कि हॉट योगा मैंने किया, हाइकिंग, साइकिलिंग, बाइकिंग, वहाँ पे हिस्पैनिक फ्रेंड्स हैं क्योंकि मैं टेक्सास में रहती हूँ, तो वो नया कल्चर है मेरे लिए, नए लोग हैं। अच्छा वहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बंदा जो है वो पजामा टी शर्ट में भी चला जाए बाहर ग्रोसरी कर ले, वहाँ आपको कोई नहीं पहचानता। यहाँ पे तो कहता भी नहीं, लेबल भी नहीं करता। एग्जैक्टली यहाँ पे तो कभी कभार मुझे अगर किसी बाजार वगैरह में जाना हो तो मैं तो नकाब कर लेती हूँ ताकि यू नो इजीली मैं रोम अराउंड कर सकूँ, लेकिन ये कि वहाँ पे हर जगह के प्रोज एंड कॉन्स, फायदे नुकसान होते हैं, तो खैर नुकसान तो ऐसे कुछ नहीं। आई एम एंजॉयिंग इट, बस ये होता है कि जल्दी जल्दी काम करके फिर वहाँ भागती हूँ, फिर वो घर की भी याद आ जाती है। यहाँ पे आती हो तो यहाँ पे तो फिर फैमिली वहाँ, आप यहाँ? हाँ यहाँ पे मैं काम करती हूँ, रहती हूँ अकेली, यहाँ पे बहन भी है वैसे कराची में भी, बस काम के लिए आती हूँ और फिर जल्दी से भागती हूँ। अच्छा देखने में यमुना का जो स्क्रीन इमेज है ना, वो एक बहुत कमजोर, डरी हुई, मासूम, बिल्कुल जैसे कहते ना सहमी हुई सी लड़की का, लेकिन अपनी आम लाइफ में यमुना इज बोल्ड, कॉन्फिडेंट। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक का जो सफर करती है अकेले आके, सोचिए मुझे घर जाने के लिए किसी को आधा घंटा ट्रेवल करना होता होगा, किसी को 5 घंटे करना पड़ता होगा, मैं 22 घंटे का ट्रैवल करके जाती हूँ सिर्फ घर पे अपनी अम्मी से मिलने के लिए और घर पे वक्त गुजारने के लिए। तो फिर इसका मतलब है कि यमुना की कोई दो साइड्स हैं। हाँ मेरी दो साइड्स हैं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट भी हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा हूँ। अच्छा? मेरे बहन भाई मुझे कहते हैं कि मेरी खास में मेरा भाई मुझे कहता है यमुना कि अगर तुम एक्टिंग ना कर रही होती तो फिर पता नहीं तुम क्या कर रही होती, तुम इतने भंड मारती हो अपनी आम जिंदगी में, इतना तुम जो है वो उलट पुलट चल रही होती तुम्हारी जिंदगी। तो ये मेरे ब्रदर इन लॉ है। अच्छा? ये मेरी बहन है साथ में, ठीक है, और वो बस ये जो है ना बस यमुना पिक्चर्स को देख के मुझे लग रहा है यमुना पूरे घर की क्वीन है। हाँ थोड़ा घर की ना, हाँ हाँ है, है। हाँ मैं अपनी बहनों में तीसरा मेरा नंबर है, मुझसे छोटा भाई है, तो मैं जो हूँ वो जरा थोड़ी रौनक भी लगा के रखती हूँ, बहुत हंसाती भी हूँ, जितनी मैं अपने काम की जगह पे संजीदा होती हूँ उतना ही मैं अपने सब घर वालों को बहुत ज्यादा हंसाती हूँ, बड़ी जॉली फनी जरा थोड़ी मेरी है पर्सनैलिटी। ठीक है। अच्छा तो अब कॉन्फिडेंट यमुना असल यमुना है या स्क्रीन पे कैरेक्टर्स के अंदर जो यमुना नजर आती है आम जिंदगी में वो असल यमुना है? कैरेक्टर्स वाला भी ना मेरा मुझे ऐसा लगता है कि मैं लिव करती हूँ कोई भी कैरेक्टर में, उसको मैं उसकी एक साइड होती हूँ, लेकिन दैट इज़ नॉट मी। मेरी जो पर्सनैलिटी है वो यही है जो अभी इस वक्त है, या जो मैं अपने घर पे होती हूँ, बातचीत करना, लोगों की हेल्प भी कर देती हूँ और बस ऐसी है, नाराज भी ना गुस्सा भी हो जाती हूँ कभी कभार थोड़ा बहुत, जैसे आम इंसान होता है। हाँ, है ना। हमारे देखने वाले समझते हैं कि शायद बहुत अच्छी होगी यमुना और ऐसे, तो वो भी होता है और साथ में कॉम्बिनेशन है। अच्छा व्हेन आर यू गेटिंग मैरिड यार, बिकॉज बहुत सारे लोग ये सवाल करते होंगे, सो लेट्स नॉट डिले इट, है ना। अच्छा अम्मी तो नहीं बैठ के देख रही टीवी पे लाइव अमेरिका में, कह रही थी तुम आ रही हो शो में। पर असल में बात ये कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो है ना जो मैं काम कर रही हूँ वो असल में मुझे पसंद है और मुझे काम करते हुए हो गए 7 साल। ठीक है। मैं जो पढ़ाई कर रही थी तो मैंने अपना काम शुरू किया। ठीक है। तो बात ये है कि मेरा इन 7 सालों में कोई एक बैड एक्सपीरियंस नहीं है इस काम का, कोई किसी भी हवाले से। ठीक है। ये मैं हर यानी कि लाइव शो में बैठ के कह रही हूँ, किसी भी हवाले से। ठीक है। बहुत ज़बरदस्त मेरे ये 7 साल खुशगवार, अच्छे एक्सपीरियंस वाइज, व्यूअर्स ने इतना प्यार दिया, इज्जत दी, शोहरत दी अल्लाह ताला ने, पैसा भी साथ में इसके। जो लोग कहते हैं एक्सप्लॉइटेशन होती है, कुछ करना पड़ता है तभी तो आगे जाते हैं। कुछ नहीं, मेरी मेरे अल्फाज, मेरी आंखियों, मेरा चेहरा बता सकता है मेरे ये साल बड़े अच्छे गुजरे हर हिसाब से। मैं इस बारे अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक्टिंग करूँगी, मेरी फैमिली में कभी ये नहीं था, आई एम द फर्स्ट वन कि मैं इस एक्ट, और मेरी सारी फैमिली सपोर्ट करती है, तो हर चीज़ जो है ना अल्लाह ताला ने अभी मेरे फेवर में रखी हुई है। मैं ये नहीं कह रही कि शादी फेवर में नहीं होती है, और आपको पता है कि जो एक्टिंग के आवर्स हैं वो ज़रा थोड़े से वो हैं अनयूजुअल थोड़े से, यू नो 10 आवर्स अवे फ्रॉम होम इज़ लाइक
इट्स और फिर वो उसमें फोन भी बंद साइलेंट, आप कोई फोन कर रहा है आप उसे नहीं बता सकते यार हम नहीं सुन सकते. एग्जैक्टली. तो मैं कहती हूँ कि अच्छा मैंने होम इकोनॉमिक्स से पढ़ा हुआ है तो मैं चाहती हूँ कि जब घर हो तो बंदा टोटली जैसे मेरी वालिदा जब शादी करनी है तो एक्टिंग छोड़ देनी है. छोड़ूंगी तो खैर ऐसे नहीं कि जी छोड़ दिए, बट आई वुड लाइक टू गिव टाइम टू माई फैमिली, टू द पीपल अराउंड मी, टू द पीपल इन माई फ्यूचर. तो मैं ये चाहती हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी का काफी हिस्सा बड़े भरपूर तरीके से एक्टिंग की, तो मैं कहती हूँ चलो अभी थोड़ा सा और कर लेती हूँ. ये ना हो कई दफा लोग ना अनसेटिस्फाइड रह जाते हैं जिंदगी में, शिकायतें रह जाती हैं. हाँ. तो मैं कहती हूँ अभी जो प्रेजेंट अल्लाह ताला ने दिया हुआ है ना उसको मैं भरपूर तरीके से अच्छी तरह से यूटिलाइज करूँ, और जो है वो शादी अल्लाह ताला ने जिस टाइम पे मेरी नसीब पे लिखी होगी तो वो भी हो जाएगी. बिल्कुल सही. लेकिन हजरत अली करमुल्ला वजह की एक बड़ी खूबसूरत कॉल है, मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना, इसलिए कि हम बहुत कुछ प्लान किए होते हैं एंड पता चले कल रिश्ता आ जाए यमुना का अच्छा सा, एंड यमुना जो है वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर जा रही हो. इवेंचुअली तो ऐसे ही होना है किसी एक दिन. हाँ कह सकते हैं, लेकिन मेरा काम भी मुझे बहुत पसंद है और शादी भी बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है. हाँ. आजकल जो है वो लड़के लड़कियाँ. अच्छा वैसे यार पता है क्या, मुझे बाज़ूकात अब बहुत फील होना शुरू हो गया है कि अगर फीमेल स्टार्स आए ना हमारी हमारी एक्टर, हम उनसे शादी लड़कों के बारे में शादी का, हम 45 साल के भी होके फिर नॉट बॉदर्ड कर लेगा शादी अभी तो कर ही लेगा. हाँ तो बात ये है कि मैंने सारी जिंदगी ना अपने इर्द गिर्द के लोगों से ज्यादा एक्सपेक्ट किया और ना ही मैंने अपनी लाइफ से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट किया. तो इसलिए जब आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते और जब आपको मिलता है ना तो फिर आप बहुत खुश हो जाते हैं. सुबह जो यमुना भी तैयार हुई है कितनी देर में मेकअप किया? मैंने वैसे तो ये मैं हो जाती मैं शायद 15 मिनट में तैयार पूरी हेड टू टो, लेकिन मैंने बहुत आराम बैठ गई, अम्मी से बात कर ली, फिर मैंने कहा अच्छा वहाँ जाके शो पे क्या बात करूँगी, फिर बुंदा पहना, फिर उतार दिया. आज मैं सबसे ज़्यादा कितनी गलत बात है वैसे, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा रिलैक्स बस होके, क्योंकि दो दिन के बाद एक दिन के बाद मेरा ट्रैवल है. तो हाँ तो वो बस साथ साथ तो मेरी पैकिंग भी खुला हुआ सामान सारा सूट के सलमारी ये वो और जो है वो फिर साथ साथ और ये जो मेरी लुक थी, हालांकि मैं सोची थी यूजुअली मॉर्निंग शो में होती हूँ लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था इस तरह. आप बहुत डिफरेंट लग रही थोड़ा सा, मुझे एक आपका स्क्रीन इमेज है ना आप उससे बिल्कुल डिफरेंट. हाँ. आपने अपने आप को कैरी किया. ओके तो. लेकिन हम आपके साथ ये सारे सीक्रेट शेयर करेंगे. आपने सुना यमुना ने हमने बातों में बताया कि होम इकोनॉमिक्स किया हुआ भाई, सो कितनी की यमुना सुघर जो है वो होंगी हो सकती है. सो हम विल गो टू किचन और फिर हम यमुना की खूबसूरती सीक्रेट्स भी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं. स्टे विद अस. मौला मौला मेरे हाँ मेरे हाँ मेरे तू ही किनारा, मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा, मौला मौला मेरे. खुश आमदी जनाब. उड़ान ड्रामा सीरियल जो है हमारा, ये आप उसका ओएसटी मुसलसल सुन रहे हैं. ये बहुत जल्द आप हमारी ए प्लस की स्क्रीन पर इसको मुसलसल सुनने वाले हैं, इसलिए कि खूबसूरत सा ड्रामा सीरियल जो बिल्कुल लॉन्च के लिए तैयार है. स्टार स्टडेड कास्ट है इसकी, जो आपने देखना नहीं भूलना. यमुना जैदी मेरे साथ हैं, हमारी बहुत टैलेंटेड बाकमाल आर्टिस्ट और इस लॉट में एक्टर्स की यमुना अपने परफॉर्मेंस की वजह से माय फेवरेट एक्टर. थैंक यू सो मच. बहुत ही और ख़ास तौर पर मैं बार बार इस ड्रामे का नाम ले रही हूँ, मैंने उसकी एक एपिसोड भी मिस नहीं की. And the only reason of watching that episode, एक आप और एक समन अंसारी, because तुम आप दोनों were so, एक औरत का जो जो होती है ना feelings और expressions, आप वो different age group में वो सब depict कर रही थी. Beautiful. Thank you so much. Thank you. अच्छा अब आप हमें beauty drink बताने वाली हैं. अच्छा ये beauty it's actually a detox drink है जो कि एक जमाने में पी के मैं काफी पतली हो गई थी. और इससे भी पतली हो गई थी जितनी अब. हाँ ऑफ कोर्स, ये अभी तो मीडियम एक वेट है, इससे अभी थोड़ा थोड़ा कम होना है. लेकिन ये वाली ड्रिंक पी के मैं एक ज़माने में पतली हो गई थी और वैसे भी जो इस ड्रिंक में इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपकी स्किन को चार चांद लगा देंगे. आई एम जस्ट यू नो ये मेरा आजमाया हुआ ये ड्रिंक है, तो इसलिए जब मैं से पूछा वो उन्होंने कंटेंट वालों ने कि आप कुछ शेयर करना चाहेंगी तो मैंने कहा हाँ ये मैं ज़रूर लाइव शेयर करना चाहूँगी. अगर आप भी इतनी ही ग्लोइंग स्किन के कौन 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 यमुना जैसी स्किन हासिल करना चाहेगा? सारे लोग ना, सब लोग. अच्छा पीछे वाले ने हाथ खड़ा किया, आगे वाले जो है वो
हालांकि फॉलोअर जो है वो सब आगे वाले बैठे हुए लोग ज्यादा करेंगे। अच्छा इमरान, क्या क्या कुछ डाला है इसमें? अच्छा कैसे आप पीती थी और कितना पीती थी? ये तो सुबह पीती थी, मॉर्निंग ड्रिंक थी, अपने वर्कआउट के बाद पीती थी मैं। और ये जो है इसमें चुकंदर है जो कि बीटरूट होता है। अब इसमें जितना इसका रंग ही देख लें, अब आप खुद देख लें कि ये आपकी स्किन को क्या बना देगा। और साथ में जो है ये खीरा यूज होता था, और खीरा भी इसमें पानी जो है मेरे ख्याल से 90% इसमें पानी होता है, तो ये बड़ा जबरदस्त होता है गर्मियों में बहुत। और मैंने गर्मियों में ही शुरू किया था। अच्छा अच्छा, फिर जो है इसके तो इतने फवायद हैं, ये जो हमारा धनिया है जिसे अमूमन हमारे शायद मुल्क में इतनी लिफ्ट नहीं कराई जाती। ये धनिया मेरे ख्याल से वो इंग्रेडिएंट है जो कि एक जमाने में मुझे ग्रोसरी लिए हुए बड़ा अरसा हो गया कि हम जब सब्जी लेते थे तो हमें याद है बचपन में तो वो ना साथ में ऐसी में डाल देते थे। अब शायद पैसों का आता है ये ऐसे ना, हरी मिर्च और धनिया मुफ्त में डाल देते थे। लेकिन इसके बहुत सारे फायदे हैं, ये वैसे वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। हम तो सिर्फ इसको गार्निशिंग के लिए यूज करते हैं, बट बहुत से बाहर के ममालिक में या हम यहाँ पे भी होता होगा आप वो ड्रिंक। खैर कट टू शॉर्ट, हम इसको बनाना शुरू करते हैं। शुरू करो। अच्छा, और इसमें डालना शुरू करो चीजें जैसे आप बनाती थी, क्योंकि आज बनाकर मैं और आप पियेंगे भी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये बन गया। हाँ हाँ, ऑफकोर्स बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। बनी आपके ऊपर डाउट नहीं है, अपनी मशीन के ऊपर डाउट है। नहीं नहीं नहीं, अगर ये बन गया तो हम जरूर इसको पियेंगे। मैं थोड़ा सा लेफ्ट ही उसको हम जूसर पे करते हैं। लाल लाल का जूस जो है खुद बनाती थी ना? हाँ हाँ, सुबह उठ के कौन वैसे बनाए आपके लिए, खासतौर पर अमेरिका में और पाकिस्तान में भी जो जिस टाइम पे हमने उठ के शूट पे जाना होता है। हाँ, तो धनिया तो डाला नहीं। हाँ बिल्कुल, इसको धनिया को जो है मुझे याद नहीं आ रहा है कि धनिया कैसे डालती थी इसमें। अच्छा, बट हाँ क्योंकि ये इसके जो पत्ते वगैरह है ना, इसका जूस तो नहीं निकलता। बट इसको मैं इसके साथ ही वो कर देती थी। अब इसके ऊपर एक खीरा मैं और डालूंगी। ठीक है, खीरा कोई बात नहीं, छिलके समेत भी चलेगा। हाँ वैसे छिलके समेत भी। आप छिलके के साथ डालती थी कि छिलके के बगैर डालती थी? मैं छिलके के साथ डालती थी। छिलके के साथ डालती थी, पहले जो छिलके के बगैर डाला हुआ ना इस वजह से। सो ये अमेरिका में जब आप यहाँ से गई होती हो तो आप इसका मतलब उन दिनों में अपनी स्किन पे काम कर रही होती हैं? मैं अपनी स्किन पे काम करती हूँ, वेट पे काम करती हूँ, दिमाग पे काम करती हूँ जो बड़ा खराब होकर आता है पाकिस्तान में क्योंकि हम लोग का जो वो है ना एक्टिंग का जो रूटीन होती है, जाहिर सी बात है, और जितना पैम्पर्ड रखते हैं हमें सेट पे और इतना जो है वो एयरपोर्ट पे होता है मेरे साथ पाकिस्तान में कि जी कोई वो मिल जाते हैं जाने वाले तो वो जो है ना फरा ऐसा करते हैं इसको हम हाफ ऑफ कर लें। बिल्कुल, हम एक और बना लें इसको। नहीं नहीं, हाफ ऑफ करते हैं। सो ये धनिया, खीरा, बीटरूट, लीमू डाल के, इट्स एक्सट्रीमली गुड ड्रिंक। आप लोग कभी घर में जो भी खवातीन बैठ के अभी देख रही हैं इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। और इतना मुश्किल, कितना क्वांटिटी में आप पीती थी? मैं बस एक बड़ा ग्लास, जैसे कह लें इस ये जग जितना तो नहीं था, बट ये जग को अगर हाफ कर लें मैं इतना पीती थी। और ये अभी आप टेस्ट करके देखें इसमें अगर, और पहले वर्कआउट किया खूब सारा और उसके बाद ये पिया, पी के देखें कितना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। इतना बुरा नहीं है जैसे होते हैं। नहीं बिल्कुल भी बुरा नहीं है ना, उसकी वजह ये कि मैं भी ये पीती हूँ ना। ओह रियली? रियली, लेकिन नॉट रेगुलरली, कभी वंस इन अ ब्लू मून जब आपको बहुत अपने ऊपर आए ना तो तब आप खड़े हो जाते हैं कि चलो यार ये सारा कुछ। अगर ये अगर आप अपने लिए थोड़ी सी सुबह उठ के मेहनत कर लें तो ये आपके वेट लॉस के लिए, अब ये भी नहीं कि थोड़ी सी साथ में डाइटिंग भी करें, थोड़ा सा वर्कआउट भी करें, और आपके स्किन के लिए और आपके वैसे एक सुबह मॉर्निंग के लिए बड़ा अच्छा ड्रिंक है। बिल्कुल, और इसमें और भी चीजें डालना चाहें तो डाल लें, गाजर, गाजर भी डलती है, डाल लें, सेब भी डलता है, गाजर भी डलती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें आप इसमें डालते चले जाए, जो जो चीजें आप खा नहीं ना सकते उन सब का आप जूस निकाल के पी लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो यमुना, मतलब खुद काम करना अमेरिका में, बर्तन धोना, हाँ, रोटी बनाना, तो यही है, सफाई करना।